नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजू और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेन से, जिसका एग्जाम 5 अगस्त 2018 को हुआ था। और इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाला एग्जाम है ग्रामीण बैंक क्लर्क और पीओ, जिसको आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या ऑफिसर स्किल 1 के नाम से जानते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एसबीआई क्लर्क मेन्स में आया, हो सकता है कि उससे कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामीण बैंक पीओ में भी आ जाए। तो हम ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट था वो डीआई, क्योंकि डीआई में मेंस में क्लर्क के एग्जाम में इस बार काफी क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए। डीआई से टोटल 27 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आए, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है अगर हम क्लर्क मेंस के बारे में बात करते हैं। तो अब देखते हैं डीआई के बारे में, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डीआई पूछे गए थे। तो सबसे पहला कैशलेट, जो कि क्लर्क में मेरे ख्याल से शायद पहली बार पूछा गया था, हो सकता है पूछा भी गया होगा। और जो कैशलेट था वो बोट एंड स्ट्रीम पे था। और कैशलेट में करना क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, उनको सॉल्व करके आपको डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद बार ग्राफ है, बार ग्राफ आया था जो कि कॉमन था, और डेटा रिलेटेड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कुछ सीपीएसपी पर बार ग्राफ आया था। पाई चार्ट, पाई चार्ट जो आया था 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो था पार्टनरशिप पे, ठीक है। पार्टनरशिप पे कुछ क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप पे था पाई चार्ट। तो उसके बाद 2 सेट आया था टेबुलर डीआई का, तो टेबुलर डीआई ज्यादा पूछा गया था। और पाई चार्ट का एक और क्वेश्चन आ गया था, डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज एंड परसेंटेज वॉज गिवन, कंट्रीज से रिलेटेड डेटा दिया था और परसेंटेज उसका दिया था, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो कि आसान था, 5 नंबर आप बना सकते थे। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इसमें कंपेयर करना होता है, लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा होता है, पर क्वेश्चन यहाँ चेंज हो जाता है। आप बोल सकते हो डेटा सफिशिएंसी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके ये नया टाइप बनाया गया, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ठीक है, जो कि 5 नंबर का था और ये भी आसानी से आप बना सकते थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान होता है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आपका, अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छा है तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये भी 5 नंबर के आए थे, तो 15 नंबर तो आसान थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी भी 3 नंबर का आसान था, उसको भी आप बना सकते थे। और मिसलेनियस, मिसलेनियस अगर आपसे बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो इसको स्किप कर सकते थे आप। और मिसलेनियस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एसआईसीआई, इन सबसे मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 50। अगर 50 में से बात करें कितना आसानी से बन सकता था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 नंबर, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 5 नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स, और डेटा सफिशिएंसी, मतलब आप 18 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। आपको अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 30+ यहाँ पे गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर के बारे में। तो रीजनिंग और कंप्यूटर में पहला टॉपिक आपसे पूछा गया था सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो कि मेंस के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, और यहाँ भी 30 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आप बना सकते थे टाइम देने के बाद, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स, इसके बाद इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स, ये भी बन सकता था। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट एजम्पशन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, आपने देखा होगा सिलोलिज्म और इनइक्वेशन जैसा ही होता है। एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसके 2 कंक्लूजन होंगे, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या क्या होगा उसका सही सही आंसर है। तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे जो कि आप आसानी से बना सकते थे, अगर टाइम देंगे तो बन जाता। उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजनिंग जो था कुल मिला के ठीक था, अगर आप 25+ बनाते और मैथ्स और रीजनिंग मिला के 55+ आपका सही हो जाता है, तो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है। अब हम बात करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8 पर्सन को आपको अरेंज करना था, और पीपल इसमें क्या था ना, 8 पर्सन को अरेंज करना था, और जो पर्सन बैठे हुए थे उनका लिंक फ्रूट के साथ था, और फ्रूट और फ्लावर के साथ लिंक था, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड पजल आया था, हॉर्स वेयर बी अरेंज, जहां पे आपको हॉर्स को अरेंज करना था। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया था, फ्लोर कार्ड बेस्ड पजल एक आया था, मंथ बेस्ड पजल 3 मंथ और 3 डेट दिए हुए थे, पर्सन एंड देयर वेट, तो ये काफी ज्यादा टफ था। उसके बाद लीनियर
टू पैरेलल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है, और उनके साथ उनका व्हीकल भी दिया था, फेसिंग साउथ और नॉर्थ था, तो ये काफी ज्यादा टफ था। अब हम बात करें तो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से आप 10 क्वेश्चन बना सकते थे जहां पे आपको टाइम लगता है। 10 क्वेश्चन भी आप बनाते हैं तो काफी अच्छा है, अगर 25 प्लस अटेम्प्ट होता है तो भी मैं अच्छा बोलूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कुछ वैसा ही था, ज्यादा टफ भी नहीं था। आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते थे, 20 प्लस तो स्कोर ला ही सकते थे। हम इंग्लिश के टॉपिक को देखते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि हर साल पूछा जाता है, 12 नंबर का इस साल भी आ गया। उसके बाद एंटीनम्स और सिनोनम्स 5 मार्क्स का पूछा गया। सिंगल फिलर आता है क्लर्क में, जैसा इस बार भी आया 5 मार्क्स का। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद कनेक्टर कनेक्ट करना होता है तो 4 नंबर का मिला। आइटम्स एंड फ्रेजेज 3 मार्क्स का मिला। क्लोज स्टेट्स आप लोग जानते होंगे 5 मार्क्स का मिला था। उसके बाद कॉमन एरर जिसको बोल सकते हैं, कॉमन एरर से 5 क्वेश्चन आ गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में, और इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट बोले तो 20 प्लस होना चाहिए गुड अटेम्प्ट। अगर दोस्तों हमारा एग्जाम एनालिसिस और रिव्यू आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक बात, हम अपने चैनल पर अभी बैंकिंग और रेलवे के ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा और हम पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आप हमेशा लाइव देखिए। जो बैंकिंग का क्लास होता है वो 10 बजे होता है और जो रेलवे का क्लास होता है शाम को 8 बजे रात में होता है, तो उसको आप अटेंड कीजिए, आपका काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू, और आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।